इस वीडियो में हम राजस्थान पीटीटी परीक्षा जो 10 मई को आयोजित होने वाली है उसके सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें चार सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एवं इंग्लिश और हिंदी के कुल मिलाकर 50-50 प्रश्न आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे तथा प्रत्येक सब्जेक्ट के 150 मार्क होंगे, यानी कि टोटल नंबर 600 होंगे। मेंटल एबिलिटी में टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, इंग्लिश हिंदी के प्रश्न इसमें आएंगे। रीजनिंग में रीजनिंग के सिलेबस में इमेजिनेशन, कल्पना, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, ड्राइंग, इन्फेरेंस, आरेखण, जजमेंटल डिसीजन मेकिंग, निर्णय और निर्णय लेना, क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच से संबंधित प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में लीडरशिप यानी नेतृत्व, कम्युनिकेशन, संचार, अवेयरनेस, जागरूकता, प्रोफेशनल कमिटमेंट, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, इंटरपर्सनल रिलेशन, अंतर्व्यक्तित्व संबंध, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, भारतीय इतिहास और संस्कृति, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता, नॉलेज अबाउट राजस्थान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्स, भारत एवं उसके प्राकृतिक संसाधन, ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज यानी भारत के महान भारतीय व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न आएंगे। इंग्लिश और हिंदी में से वोकेबुलरी, कंपेरिजन, फंक्शनल ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, शब्दावली, कार्यात्मक व्याकरण और वाक्य संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।